23 जुलाई 2024 को NH-52 पर खेमाना बाईपास पर एक मनीषा स्वामी का शव मिला था, जिसके बाद लगातार आंदोलन होते रहे। परिवार कहता रहा कि उसकी हत्या हुई है, जबकि पुलिस उसे एक्सीडेंट मान रही है। कल बता दें आपको, समाज ने ज्ञापन दिया है, आप माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है उपखंड अधिकारी के नाम। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 23 जुलाई को जो मनीषा स्वामी के साथ जो घटना हुई है, उसकी जांच पुलिस सही से नहीं कर रही। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि घटनास्थल का सर्वे समाज द्वारा मौका निरीक्षण करने पर इसे हत्या केस मामला मानती है, लेकिन पुलिस प्रशासन इसे सहमत नहीं है। वहीं उन्होंने दूसरी मांग ये लिखी है कि प्रशासन इसे दुर्घटना मानता है तो पुलिस प्रशासन डेमो प्रदर्शन कर सर्व समाज को संतुष्ट करने की कार्रवाई करे। उसके बाद उन्होंने ज्ञापन में यह साफ तौर पर लिखा है कि जांच अधिकारी द्वारा आज दिनांक तक दी गई कार्यशाली जो जांच अब तक की गई है, उसकी प्रति वह समाज को उपलब्ध करवाई जाए। वहीं सर्व समाज व समस्त राजगढ़ की प्रजा पुलिस प्रशासन की जो कार्यशैली है उससे आक्रोशित है, यह साफ तौर पर उस ज्ञापन में लिखा गया है। और वहां पर जो समाज के लोग थे, उन्होंने ज्ञापन में साफ तौर पर लिखा है कि 31 अगस्त को उपरोक्त थाना कार्रवाई पूर्ण नहीं होती है तो सर्व समाज है वह दूसरा बड़ा आंदोलन है वो थाने के सामने करेंगे। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी लिखा है कि 2 सितंबर को पुलिस थाने के सामने प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी लिखित या मौखिक रूप से कोई सूचना नहीं दी जाएगी, इसी को अंतिम सूचना माने। इसमें आंदोलन करने वालों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। बता दें आपको, 23 जुलाई को यह घटना हुई थी, जिसके बाद आंदोलन भी होता, 4 दिन सब रखकर प्रदर्शन भी हो किया गया था, थाने के बाहर प्रदर्शन किया गया। थाने के बाहर प्रदर्शन करने के बाद एक सहमति बनी कि 3 जो मर्डर का मामला है वो दर्ज होगा। और उसके बाद उसी दिन तकरीबन रात को 11:00 पर पुलिस प्रशासन ने 70 से 80 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें दर्जनों भर नामजद भी थे। अब परिवार ने साफ तौर पर, समाज के लोग उन्होंने साफ तौर पर है वो कह दिया है कि 2 सितंबर के दिन वो कोई लिखित या मौखिक रिपोर्ट नहीं देंगे और धरना प्रदर्शन है वो थाने के बाहर करेंगे। और 31 तारीख को, जी हां, अगस्त 31 को आंदोलन है वो किया जाएगा। 23 तारीख की ये घटना, एक डेड बॉडी NH-52 पर मिलती है, उस संबंध में 27 तारीख को एक FIR दर्ज होती है हत्या की और रेप की। उसकी जांच के संबंध में, मनीषा स्वामी हत्याकांड के संबंध में पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, ना अब तक FSL की रिपोर्ट आई है। तो सभी ने मिलकर ये तय किया है कि अगर 31 तारीख तक पुलिस इस मामले को खुलासा करे, और खुलासा इस प्रकार करे भी हमने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, तो हत्यारों की गिरफ्तारी करे। और दूसरे संबंध में पुलिस 100% ये मान रही है कि ये दुर्घटना है, अगर पुलिस ये मान रही है दुर्घटना है तो हमें इसका ट्रायल दिखाए, और ट्रायल दिखाकर राजगढ़ की जनता को संतुष्ट करे। ये दोनों बातें यदि 31 तारीख तक नहीं होती है तो हम 2 तारीख को थाने का घेराव करेंगे, जिस कामने ने सूचना दे दी, इसके अलावा और कोई भी किसी प्रकार की सूचना नहीं देंगे। और आंदोलन के दौरान किसी प्रकार की या फिर ये कोई घटना होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी।